इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति। राजस्थान प्रांत की मरु वृंदावन नगरी सीकर से 18 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अपनी भव्यता एवं ऐतिहासिकता को संजोए हुए विद्यमान है श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा। वीर निर्वाण संवत 1674 में निर्मित हुए इस प्राचीन अतिशय क्षेत्र के भव्य मंदिरों में मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान एवं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान, पद्मासन मुद्रा वाली अतिशयकारी प्रतिमाओं के साथ ही भगवान शांतिनाथ एवं सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं मनोहारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। अनगिनत खम्बों वाले मंदिर के नाम से विख्यात इस तीर्थ स्थल पर रात्रि में देवताओं का आगमन होता है, जिनके नूपुरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। चित्त को विस्मय कर देने वाली ऐसी ही कई किंवदंतियां और चमत्कार इस तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण से यहां आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और प्रभु का दर्शन वंदन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीर्थ पर दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त कमरे एवं हॉल बने हुए हैं। इसके साथ ही तीर्थ पर भोजनशाला भी संचालित है। सीकर के अतिरिक्त गोरिया यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड है, जहाँ से क्षेत्र के लिए हर समय बस की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ एक बार यहाँ अवश्य आएं और इस प्राचीन तीर्थ में विराजमान जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शनों के साथ ही अतिशयकारी 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान के प्रतिदिन होने वाले अभिषेक शांति धारा में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि करें। शांति धारा की नौछावर राशि दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें समीपवर्ती दर्शनीय स्थल रेवासा। हमें तो सदा खंडहर ही मिले हैं, हमें तो राजस्थान में सदा खंडहर ही मिले हैं, लेकिन आचार्य श्री के माध्यम से मैंने हर खंडहर को इंदुप्रस्थ बनाने का प्रयास किया। खांडप्रस्थ मिला था पांडवों को और खांडप्रस्थ से क्या बन गया वो, और इंदुप्रस्थ ऐसा बना हस्तिनापुर आज कुछ भी नहीं है, हस्तिनापुर आज कुछ भी नहीं है, एक जिला भी नहीं है, और खांडप्रस्थ से जो इंद्रप्रस्थ बना आज वो देश की राजधानी है जिसे दिल्ली कहते हैं। शास्त्र को देख रहा था, उसमें एक छेपा लगा हुआ था, छेपा में लिखा था, एक पंपलेट था कि यहाँ पर रेवासा के चांदी की रस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैंने कि रेवासा में चांदी का रथ, वहाँ तो पीतल के ही रथ नहीं है, कुछ है ही नहीं। बस उस पंपलेट ने मेरी रुचि जगाई और मैं भगवान को खोजने नहीं गया था रेवासा, वो चांदी का रथ खोजने गया था। और चांदी का रथ खोजते खोजते चांदी का रथ भी मिला, साथ में महा अतिशयकारी सुमतनाथ भगवान। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम आरम बम बम हम सम तम पम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम द्रीम द्रीम हम झम छीम झीम हम स झम बा सा छम छीम छौ छम छौ छम छम छा छीम राम राम रीम रूम रोम रौ रम राम द्रीम नमूर्ते भगवते श्रीमते ठाठति प्रशांति मंत्राणाभिषेकं करोमि। ईं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हं सं तं तं पं पं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते
ओम रीम क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचे पचे ओम नमो अरम झम झिम 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 हम सम झम 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 सा झाम छिम छुम झौ झम 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 झ राम रीम रूम रेम रौ रौ रम 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 राम ध्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाटास्माकम परम पूज्याचार्य श्री श्याम सागर जी महाराज जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी स्वास्थ्य लाभार्थम वार्षिक शांति धारा करता श्रीमती प्रेम देवी जी मातेश्वरी जी मनोज जी सीमा जी सीबी जी कनिष्का जी कृतिक जी बच परिवार सीकर श्रीमती देवी जी महावीर प्रसाद जी मनोज जी गुड़माला देवी जी महेश जी अलका देवी जी मनीष जी ज्योति जी एवं शुभम जी निधि जी सिद्धार्थ जी कोमल जी निशा जी चितिका जी समस्त ठोलिया परिवार सीकर एवं बेंगलोर श्रीमान नानक राम जी तेजा देवी जी इंद्रचंद जी माणक चंद जी अनुभव जी अभिनव जी सेठी परिवार सीकर श्रेष्ठ श्री जीवन लाल जी पुत्र पुत्र वधु सुशील जी रानी देवी जी सुनील जी पिंकी देवी जी पुत्र पधु रक्षत जी अर्चिता जी सक्षम जी स्मिता जी समस्त बढ़ जाता परिवार सीकर श्रेष्ठ श्री उत्तम कुमार जी सरोज देवी जी लोकेश जी निधि जी तपेश जी प्रीति जी चिराई जी देवी जी रजत जैन पांड्या परिवार जयपुर एवं रिधिराज कटारिया श्रीमती सुगंधी बाई जी श्री प्रमोद कुमार जी श्रीमती सुस्ता जी हर्षी जी अंशिका जैन जैन बहारी वाले परिवार नारायणपुर छत्तीसगढ़ सागर मध्य प्रदेश दास दमासिक शांति धारा करता दादाजी श्री मोहन लाल जी समाधि हुआ हुई थी श्रीमती अलका जी धर्मपत्नी श्री रमेश चंद जी की स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र एवं पुत्र वधु राहुल जी सुरभि जी निखिल जी निष्ठा जी पुत्री दामाद नेहा जी अंकित जी पोती बागमी जी हिंदांशी जी कर्ण जी सहपरिवार सिरोज मध्य प्रदेश श्रीमती प्रभा देवी जी मनीष जी सपना जी गोदा परिवार गोदा स्टेट इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमान शांतिलाल जी गुणवाला देवी जी संजय जी सुनीता जी सिद्धांत जी अमन जैन पार्वती परिवार कोलकाता श्रीमान कैलाश चंद जी शारदा देवी जी अशोक जी पुष्पा देवी जी अंकित जी प्रियंका देवी जी डॉक्टर दीपक जी एवं साची रिद्धि सिद्धि पार्टी परिवार सीकर निवासी इम्फाल प्रवासी प्रतिदिन शांति धारा करता श्रीमान राजेश्वर जी धर्मपत्नी शालिनी जैन विभव जैन पारुल जैन काजल जैन पर्व जी मोक्ष जी जैन नगरवाल कुरावली जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश विभव जी के जन्म दिवस पर श्रीमती सुलोचना देवी जी मातेश्वरी जी आशीष जी दीपक जी समस्त सौगारी परिवार सूत्रड़ा वाले टोक श्रीमती पुष्पा देवी जी अंकित जी खुशबू जी सम्यक जी संजय जैन छावड़ा परिवार टोक सिरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अस्य उष्यानादे विद्ये नमो निन्दणं सर्वशान्तिं कुरु कुरुष्वा आयुर्वलिविलासं सकल सुखफले दोषलुपं धीरं वीरं शरीरं निरूपणं चित्तकीर्तनं प्रसिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणी स्फूर्तिश्च प्रतापं कांतिं साधिं समाधिं प्रतरतु जगदामुत्तमं शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन्वितबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ॐ ह्रीं अष्टप्रातिहारे मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि ॐ ह्रीं अष्टप्रातिहारे मध्ये चमरद्वि स्थापयामि ॐ ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री भूगर्भ प्राप्त अतिशयकारी रेवासा वाले बाबा श्री 1008 गुण संयुक्ता श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम जय सुमतिनाथ देवा स्वामी जय सुमतिनाथ देवा करो तुम्हारी आरती स्वामी मेटो अघ मेरा ओम जय सुमतिनाथ देवा। आज मैं शांति द्वारा अभिषेक करने रेवासा आया हूँ। यहाँ की चमत्कारी मूर्ति सुमतिनाथ भगवान की बहुत अतिशयकारी है। यहाँ अभिषेक शांतरा करके मन बहुत प्रफुल्लित होता है। यहाँ मैं आज दूसरी बार आया हूँ और देवी भगवान चाहें जब बुलाते रहेंगे जब मैं आता रहूँगा। ये मेरा चाहिए और सभी को क्षमा और वे उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। सुबह हमने शांति धारा और भगवान के दर्शन किए सुमतिनाथ भगवान के दर्शन किए जो कि बहुत भव्य चमत्कारी मूर्ति है। और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ और मैं शांति धारा करके और भगवान के सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति।